चंद्रयान के बाद अब इंडिया समुद्रयान मिशन लॉन्च करने वाला है और इस मिशन में इंडिया पहली बार इंसानों को समुद्र के अंदर भेजने वाला है। इस मिशन में इंडिया के 3 साइंटिस्ट सबमरीन में बैठकर इंडियन ओशन में 6000 मीटर की गहराई में जाने वाले हैं और जिस सबमरीन में बैठकर साइंटिस्ट जाने वाले हैं वो स्फेरिकल शेप में बनाया गया है और इसका नाम मत्स्य 6000 है और इसे इसरो और NIOT ने मिलकर बनाया है और इस सबमरीन को बनाने में 350 करोड़ का खर्च आया है और इस मिशन का टोटल बजट 4000 करोड़ का है और इस मिशन से इंडिया समुद्र के अंदर मौजूद मिनरल्स जैसे कोपर, कोबाल्ट, मैंगनीज का पता लगाएगा जिससे इंडिया के इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा और इस मिशन को 2026 में लॉन्च किया जाएगा और अगर ये मिशन सफल हुआ तो इंडिया इन 5 देशों के बाद ये मिशन करने वाला 6ठा देश बन जाएगा। दोस्तों, चंद्रयान 3 हो या और भी कोई रॉकेट, इसरो अपना 90% रॉकेट आंध्र प्रदेश के एक छोटे से आइलैंड श्रीहरिकोटा से लॉन्च करता है। श्रीहरिकोटा स्पेस सेंटर इंडिया का इकलौता डेवलप्ड स्पेस पोर्ट है। तो आखिरकार लगभग सभी रॉकेट यहीं से क्यों लॉन्च किए जाते हैं? तो इसके पीछे मेनली 2 कारण है। पहला, श्रीहरिकोटा इंडिया के ईस्ट में मौजूद है और हमारी पृथ्वी वेस्ट से ईस्ट के तरफ तेजी से घूमती है और पृथ्वी के इस स्पीड का यूज करके रॉकेट को लॉन्च करना आसान होता है। इसके अलावा ये इक्वेटर के पास है जहाँ पृथ्वी की स्पीड सबसे ज़्यादा होती है और ये स्पीड रॉकेट के स्पीड को बढ़ाने में मदद करता है। दूसरा, ये बे ऑफ बंगाल के काफ़ी पास है तो ऐसे में अगर रॉकेट में कोई भी प्रॉब्लम हुआ तो रॉकेट के पार्ट्स को समुद्र में गिराया जा सकता है।